तय करना है आई को सोल मान्या को प्रीति को भी डाउन किया जाएगा लाजवाब अरे मां चुक गई हार्ट शिफ्ट और यहां से अगर आप देखें तो स्काई फॉर यहां से तो मान्या नहीं घुस पाएगा जोन में इंपॉसिबल जो कोशिश है उनके तरफ से वो यहां पे देखने को इंपॉसिबल मेडल को मार दे आसपास देखने को मिले टीम हाइड्रा मेडल को मारे और उनकी गाड़ियां अगर मिल जाए तो अलग बात है बट यहां से इंपॉसिबल है जोन में जाना लेकिन वही बात है माइको सोल अगर उनको एंट्री करना है तो फाइट करते करते एंट्री यार जब पता नहीं मतलब जब टीम पानी में उतरती है ना ज्यादा होप नहीं रहता मेरे को मुश्किल जरूर जरूर है पानी में जब टीम उतरती है ना मेरे को ज्यादा होप नहीं रहता यार मेरे को नहीं लगता कुछ पॉइंट्स आएंगे ये टीम मतलब ये गेम में आई थिंक दो तीन पॉइंट्स आएंगे बस जैसे टीम पानी में उतरती है ना मेरे को मतलब होप खत्म हो जाता है साइड से आपके अच्छे कंटेनर की कोशिश है इस राइजिंग स्टार की तरफ से वो यहाँ पे शायद थोड़ा सा मुश्किल में डाला जा रहा है लेब्रॉन को वहाँ पे डाउन किया जाएगा और इसी की तो कोशिश थी टीम आई कुसोल की तरफ से कि आखिर में फाइट करेंगे लेकिन ये जो फाइट है इन्फिनिटी की तरफ से बहुत ज्यादा बेहतर अटैक मान्या को फिलहाल वहां पे डाउन नहीं हो पाएगा अबे अबे आईपीएल कितने बजे चालू हो रहा है अगर आप दो टीमों के बीच में ये भिड़ंत है नहीं हो पाएगा की बात करें आईपीएल कितने बजे चालू हो रहा है पूरा बैटल देखने को मिलेगा मान्या को रिवाइव दे दिया गया इसका मतलब साफ है कि टीम आई कुसोल के पास वो मैन एडवांटेज लेकिन सर्कल एडवांटेज स्काईफॉल के पास रहने वाला है ऐसे में स्काईफॉल इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही वो आगे बढ़े उनके ऊपर शॉट लिया जाए और उसकी कोशिश यहां पे की जाएगी क्योंकि वक्त की बात करें केवल और केवल वो 40 से 45 सेकंड का वक्त और उसके बाद सर्कल का श्रिंक आएगा तो ज्यादा आप इंतजार कर नहीं सकते आपको मजबूरन आगे बढ़ना ही पड़ेगा जल्द से जल्द लेकिन अगर बात किया जाए इधर टीम स्काईफॉल के पीओवी से तो मुझे लगता है कि उनके पास एक बहुत और वो जब डिलीवर होगा ना तो जस्ट इंटीमेट में एक बार मैसेज कर देना क्योंकि यहाँ पे बहुत पैकेजेस आते हैं तो वो मिक्स ना हो जाए जैसे आएंगे मैं ले लूंगा और फिर अगले दिन मैं बाकी का काम कर दूंगा ठीक है वो फाइट जीतने के लिए मन को शांत रखना होगा और उसी के साथ साथ अपना जो काम है वो आईपीएल मैचेस है ग्रेनेड कोरी का एक ग्रेनेड दो प्लेयर को इधर नॉक करते हुए देखने के लिए मिले इस पावर होने वाले वो आखिरी प्लेयर जो कि अभी भी जिंदा है ये मोलोटोव अगर कनेक्ट होता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आने वाले हैं थोड़ा सा दूर गिरा लेकिन अभी मैच किसका है आईपीएल में मान्या गए थे इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोरी हम जानते हैं कितना ज्यादा स्किलफुल है ये प्लेयर इस पावर के साथ ये फाइट लेना होगा दूसरी तरफ इधर रिवाइवल मिल चुका आज है कोरी इधर डाउन 2v1 का सिनेरियो कौन सा मैच है आईपीएल में के पास था कुछ देर पहले वो पूरा घूम चुका है और टीम सोल अभी दो प्लेयर के साथ जिंदा है प्लेयर एडवांटेज इनके पास है लेकिन का मैच जीटी वर्सेस जीओ स्काईफॉल अभी भी जीत सकते हैं बट नहीं आखिरी ग्रेनेड और उसी के साथ टीम आईको सोल निकाल के लेके जाएंगे पहले मुकाबले का चिकन टू मैन होगा वो राइट देख में बे खेल की जरूरत है क्या रोटेशन है ज्यादा पॉइंट देखे जाएगा एंड वो चाहे आप फिनिशेस के साथ लेके आओ या फिर प्लेसमेंट के साथ प्लीज चेक ना डीएमडी ऑन मैच आपको चाहिए वो पॉइंट्स जो कि आपको ऊपर की तरफ लेके जाए रिडिकुलस टीम मैन उन्होंने इस मुकाबले के अंदर निकाले हैं अगर वो एकदम टॉप पे नहीं भी पहुंचे तो सेकंड पोजीशन तक तो पहुंच ही सकते हैं एक ऐसा चांस हम लोगों को बनता हुआ दिख रहा है 2x नहीं है क्या जस्ट शुरुआत है अभी भी 5 मैच है वो बाकी रहेंगे दिख रहा है रोटेशन अगर इसी तरीके से खेलते रहे टीम आईकोसोल बहुत जबरदस्त एक पोजीशन में फिनिश कर सकते हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर लेकिन यहाँ की फाइट थी जहाँ पे एनिग्मा आई डोंट नो क्या करना चाहते स्मोक करके अगर आगे बढ़ते तो शायद बेटर हो सकता था लेकिन स्मोक किया गया लेकिन थोड़ा लेट हो गया उसके बाद लेफ्ट साइड कितना क्यूट है यार कि और भी टीमें हैं वहाँ पे सिर्फ स्काईफॉल नहीं थे तो वहाँ पे उनका हमें खात्मा होता हुआ देखने को मिला और उसके बाद को भी हम जानते हैं कि बहुत ही स्किलफुल इंडिविजुअल प्लेयर है भले ही वहाँ पे वो हारे बट स्टिल उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया आप देखिए ज्यादा 2x करो 2x ही है भाई क्यों बीटी दे रहे हो बट जरूरत थी 2x है ना क्यों बीटी क्यों दे रहे हो लास्ट के कुछ मैचेस अच्छे गए नहीं थे और आप इमेजिन करिए ना कि जब आप डे की शुरुआत कर रहे हो और आप रोटेशन बात कर रहे हो तो एक टीम के लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे उनके आने वाले पांच पता ही समझ में ही नहीं आ रहा है अगर आपका पहला ही मैच कैसे हो जाए तो आने वाले मैचेस में आपके ये जोन चिप के बाद तो मेरे को नहीं लगा था मतलब इम्पॉसिबल लगा था मेरे को आने वाले मैचेस में कवर करना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे जो स्टार्ट मिला है आई थिंक ये सीखना चाहिए सारे लोगों को बहुत सारे यंगस्टर्स को भी सीखना चाहिए कि हर बार फिनिश इनसेन ब्रो इनसेन इनसेन मेरा छोटा भाई यार ऑफ कोर्स थैंक यू बोलता हूं हो सकता है पीछे से आई कुसोल के मान्या भी फिनिश पॉइंट चाहते हैं ट्राई कर रहे हैं और सब चीजों के बीच में स्काईफॉल सैंडविच हो चुके उनका बचना यहां से बहुत ज्यादा मुश्किल मैक्सी का वो मॉली जाएगा जिससे चीजें और ज्यादा साधारण एक फिनिश पॉइंट दूर से ही मान्या निकाल लेंगे पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी बट ये फाइट और बढ़ता हुआ दिख सकता है कोरी अकेले प्लेयर जिंदा थे स्काईफॉल से जिनको इधर फिगर आउट करके उनको पिच ऑफ किया गया टीम
क्या बात है। लेकिन देखिए जी नहीं नहीं तो पहले से ही मौजूद थे टीम टविलास के शिकार करने के लिए और गिरा हुआ रन बाहर आए और उनको इंस्टेंटली नॉक करके फिनिश किया गया रोनी की तरफ से। उधर तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बैक टू बैक जो नॉक्स है वो निकाले जा रहे हैं और टीम टविलास बहुत ज्यादा मुश्किल खत्म किया जाएगा यहाँ पे मार्कस गेमिंग को। और अब 8 टीमों के बीच में ये मुकाबला, जी हाँ 8 टीमों के बीच में इस बार ये मुकाबला चलता हुआ दिखेगा। नकुल एक और नॉक निकाल चुके हैं और पंक को वो नॉक किया गया है। आरएनटी का चिकन स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा भारी, गॉडलाइक का भी हो सकता है बट आरएनटी का लग रहा है। फाइट में इधर जीतना थोड़ा मुश्किल जरूर रहेगा। मान्या हो चुके हैं नॉकआउट और मान्या को बचाया जा सकता है कि नहीं? नहीं अभी के लिए उनको नहीं बचाया जा सका। फेरिस बी डाउन, एक्विनॉक्स वो क्लोज कर चुके हैं, जस्ट कार के पीछे अपने आप को होल्ड कराएंगे। सेंसे वो भी बाहर आते हुए, उनका भी नॉक चला। आरएनटी बहुत अच्छी टीम है। एक्विनॉक्स पोजीशन रिवील्ड और उसके साथ नकुल हो सकता है एक और फिनिशिंग करते करते चार। फिलहाल रोटेशंस काफी बेटर हमें देखने को मिल रहा है। स्काईफॉल एक नाम रहेगा जो कि इस पूरे डायर इवेंट में मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की बात करें मिड रेंज का वो स्प्रे रॉनी को फिलहाल वहां पे टेक डाउन करने में कामयाब। क्या खत्म किया जाएगा, ओवरऑल स्टैंडिंग में टॉप पे ये टीम है और यहाँ पे अच्छे इशारे नहीं है। इस पावर की बीएचपी आप देखें काफी ज्यादा वहां पे कम है ग्लोबल स्पोर्ट्स के अगेंस्ट। ये फाइट बीस की बात करें, लेफ्ट राइट पूरा कंफ्यूजन क्रिएट, लेकिन आखिरकार इस पावर के सामने आए, बीस को डाउन किया जाएगा और खत्म भी करेंगे। लेकिन इंसान क्या वहां पे सरवाइव करके आ पाए, जवाब रहेगा नहीं। केवल दो ही प्लेयर अब है और उनमें भी टीम आई कुसोल के पास वो हाइट का एडवांटेज, ग्रेनेड करने की बारी आ चुकी है और ये फाइट एक अलग बोर्ड में जाता हुआ। आई कुसोल अपने कंपटीशन को खत्म करना चाहते हैं। एस पावर ये नेड उनके पास और इस नेड के साथ एक सपना के नंबर वन बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स एंट्री वो भी करना चाहते हैं जोन के अंदर। इधर आई कुसोल एक ही फिनिश आया है, अभी तक 3 प्लेयर्स यहाँ पे रोनी को वो गवा चुके हैं। यार मर गए उधर गॉड लाइक, 2 प्लेयर्स कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। निकल गए गॉड लाइक, निकल गए देखा जोन में, वहां से वो आगे बढ़े थे। मैं बोला ना तुम लोगों को किया जाएगा लास्ट प्लेयर यहाँ पे गॉड लाइक गवाते हुए, संस्कारी को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए बाल बाल बचे वहां पे पहुंच गए जहां उनको पहुंचना था, अन्य की तरफ जरूर से फेंका था लेकिन उसको कुछ खास फायदा हुआ नहीं। सीक्रेट की बात करें उनकी पोजीशन रिवील स्प्रे कर रहे हैं, मान्या के पास मौका नॉकआउट करने में कामयाब। खत्म करना पड़ेगा वो, एक पॉइंट लेके जाना पड़ेगा इन्हें क्योंकि इन्हें भी पता है एक एक पॉइंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इन्फिनिटी की भी वहां पे पोजीशन रिवील हो चुकी है लेकिन एंगल की जो खोज है वो मान्या के पास अभी है नहीं, इसीलिए बाहर जाने का शायद वो ट्राई करेंगे नीचे। अरे पुकार मरेगा कि नहीं, कंटिन्यूअसली वो यूटिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं मान्या के। देखिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि जोन नहीं है उस शैक के अंदर, 37 मीटर का सफर तय करना है आई कुसोल। मान्या को इंप्रिटी को भी डाउन किया जाएगा, लाजवाब स्प्रे मान्या की तरफ से। ये कप्तान ये आईजीएल अपनी टीम के लिए जी जान लगा रहा है, पता है क्यों? क्योंकि #1 or nothing ये है इनका नारा इस बार। पता नहीं मगे में एक और प्लेयर रैंडम स्प्रे स्पोक के अंदर क्या एक और वैल्यू वो निकाल पाएंगे, क्या एक और पॉइंट वो निकाल पाएंगे। एक एक पॉइंट अमूल्य है, इनके अपोनेंट सारे खत्म हो चुके हैं। एंटिटी का भी यहाँ पे समापन देखने को मिला बट ये खिलाड़ी अकेला लड़ता हुआ अभी तक। लेकिन फाइनली वो शॉट आएगा, कनेक्शन हो जाए। चलिए आगे देखते हैं स्पोर्ट्स बट किसके साथ होगी वो फाइट ये देखने वाली बात। आई कुसोल उनको पता है कि उनको क्या करना है चैंपियन बनने के लिए और वो है कुछ नहीं करना, जोन टू जोन रोटेशन होल्ड करना है, पोजीशन बनानी है। और शिकार दिख तो रहा है उनको, गाड़ियां दिखी है पीछा करने की कोशिश यहां पे करते हुए प्लेयर्स। गॉड लाइक कहां होल्ड करना चाहेंगे देखने की बात, वो निकल तो चुके हैं, उनका काफिला कहां जाके रुकेगा। किसी के मन में सवाल है।
सोल और नंबर वन पे आए हैं ये खिलाड़ी। रोक सको तो रोक लो, सब कह रहे हैं।